अस्सलाम वालेकुम जी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सना मक्की की जो है वो चाय बनाना सिखाऊंगी। तो ये जो है मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वो सना मक्की है, सना मक्की के पत्ते हैं, ठीक है। और ये आपको कहीं से भी इजीली मिल सकते हैं। और ये देख लें आप, करीब से भी देख लें आप कि किस तरह के पत्ते हैं, ठीक है। सना मक्की के पत्ते होते हैं, कहीं से भी आसानी से मिल जाते हैं। और इसकी आज हमने चाय बनानी है। तो सना मक्की से जो है बिल्कुल वो कोरोना वायरस का जो है वो क्योर हो सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ये इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। तो सबसे पहले तो हम सना मक्की के जो हमें पत्ते चाहिए होंगे वो 2 टेबल स्पून चाहिए हमें। पहले आप एक काम करें, लेकिन जिस तरह से मैं कर रही हूँ, पत्तों को आपने डंडियों से हटा लेना, डंडियाँ हटा लें और पत्ते निकाल लेने आपने। और इस तरह से करके 2 टेबल स्पून आपने सना मक्की के पत्ते लेने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे पास 1 कप है और मैंने इस कप के 4 कप पानी ले लिए हैं। इस टाइप इसका साइज़ देख लें आप, इस कप का 4 कप मैंने पानी ले लिया है। ये देखें यहाँ पे मैंने 4 कप पानी ले लिया। और बस इसको अभी फ़िलहाल मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था पानी को, 4 कप पानी को। और अब इसके बाद इसके अंदर जो है जो जाएगा वो हमारे 2 टेबल स्पून जो हम सना मक्की के पत्ते हमने ये हैं वो हमने इसमें डालने हैं 2 टेबल स्पून, ठीक है। और बस इसके साथ इसके पसे पत्ते लेने, डंडियाँ नहीं लेनी, डंडियों को हटा लीगा। और इसको बस आपने चला लें ताकि अच्छे तरीके से सारी मिक्स हो जाए। और फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, ठीक है। पहले आपने जो है इसको जोश दिलाना है पानी को सना मक्की के पत्तों के साथ। जब जोश आ जाए अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आपने इसको ढककर पकाना है, ठीक है। देखें जोश आ चुका है इसमें और ये बहुत ज़्यादा, देखें आप इसका अर्क भी निकलना शुरू हो चुका है सना मक्की के पत्तों का। तो बस अब हमने कुछ नहीं करना है, बस इसको चला लें ताकि थोड़ा सा मिक्स हो जाए तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर आपने सेफ ढक्कन से ढक देना है। अभी 10 से 12 मिनट तक इसको पकाना है आपने, और ठीक है मीडियम फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत करिएगा, मीडियम फ्लेम पर पकाएँ। और मीडियम फ्लेम पर ही पहले हमने रखा था और मीडियम फ्लेम पर अब भी हम रखेंगे, ठीक है। और बस अभी देखें 10 मिनट के बाद कितना लाल कलर आ चुका है इसका, पूरा अर्क निकल चुका है। तो 4 कप जो मैंने लिए हैं ये, उसमें से आप तकरीबन आराम से 4 से 5 कप आराम से बन सकते हैं, 5 कप, ठीक है। तो ये तकरीबन 5 कप इसमें से निकल सकते हैं आराम से। और ये देखें निकालते वक्त आप इसको छान लें, ठीक है। छानने से कि पत्ते नहीं आने चाहिए, सिर्फ उसका हमें जो हमने अर्क निकाला है वो आए। और आप इसको छान लें, ठीक है। और ये देखें हमारी सना मक्की कि चाय जो है बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो आप इसको पिएं, और इससे अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना वायरस है तो इससे क्योर हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।